कौवा वाले हो मजा आ जाए। सरदार जी अभी नहीं है तब तक खुशियाँ मनाते हैं। थोड़ी छोड़ो पी जा पी 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 ये शाबाश ये ले नमकीन खा नमकीन खा क्या ये बात। हाँ मैडम शुरू हो जाइए। अरे कभी अद्धा कभी पौआ कभी बोतल भी पीते हैं कभी कभी अद्धा कभी पौआ अच्छा कभी बोतल भी पीते हैं। क्या बात है। अगर फो अगर फो कटकी मिल जाए तो फिर मटका भी पीते और क्या हुआ क्या हुआ बताइए। एक दिन पकड़कर ले जाने लगे मुझे पुलिस वाले। अच्छा एक दिन पकड़कर ले जाने लगे मुझे पुलिस वाले और मैं कहता रह गया ठहरो मेरे अब्बा भी पीते हैं। शराब पीने से रोक सकती नहीं यूपी की पुलिस। क्यों। हरियाणा की पुलिस कहती हरी हरी पी। एमपी की पुलिस कहती रमंगा के पी। शराब पीने से रोक सकती नहीं यूपी की पुलिस क्योंकि उसके कंधे पे लिखा है। क्या लिखा है। यूपी पी पी तो मैंने कहा रमपत जी बोलो जाने मन। अरे जाने मौसम है। अच्छा तो मैंने कहा मुर्गी की तरह यूं ना कुड़कुड़ाइए। क्या बात। मुर्गी की तरह यूं ना कुड़कुड़ाइए अंडे देना है तो हमारे दरबे में आइए। दरवा खोल के दिखाइए। बहुत बुरी बात आ रही है। और क्या कहना है। क्या कहना है। कह रही हैं अगर अंडा देना है तो हमारे दरबे में आइए। और हमारा क्या कहना है। क्या कहना है। कि मुर्गाने चमन में सब देते हैं झील में अंडे। क्या बात है। और ये कव्वाला साहिबा देती हैं तहसील में अंडे। इनके घर के कोने कोने में मकड़ी का एक जाला पड़ गया और ये ऐसी फूफड़ बीबी से हमारा पाला पड़ गया। और अब तक खाते आई है अंडे ये उधार इसके पीछे देखो ये अंडे वाला पड़ गया। महुआ हो अंगूरी महुआ हो अंगूरी पीना बहुत जरूरी बिन पी चैनी ना आए। पीने वालों खूब पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए। कौन इसका सानी है। अच्छा आँख में जो आंसू है अजी कौन इसका सानी है। और थम गया तो मोती है बह गया तो पानी है। क्या बात है। अजी आज देखना है किसमें कितना दम है क्योंकि एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ जवानी। वाह वाह क्या बात है। पहुंच गए पैखाने में अंदर से दरवाजा बंद था लगी चचा फरमाने फरमाने फरमाने। तो क्या कहा। क्या। अरे जोर से धक्का मार भतीजे भतीजे मार धक्का मार धक्का मार मार धक्का है ये इधर ये क्या अरे जोर से धक्का मार भतीजे दरवाजा खुल जाए। अरे पीने वालों बहुत पियो चाहे लुटिया तक बिक जाए।
बोलो मेरा जान। मेरा एक काम करो। एक नहीं तीन करूंगा, आदेश करो। मेरे पीने का इंतजाम करो। पूरी व्यवस्था है। एक दो बोतल से होता है क्या? मुबारक भाई, ठेका इनके नाम करो। सारा मैखाना मेरे नाम करो। मैखाना तो नाम कर देंगे। हाँ, मैखाना आपके नाम कर देंगे, मगर कुछ हमारी भी सुनेंगी। कहिए। कहना है कि खुदा ने अगर चाहा तो ये भी इंतजाम कर देंगे। वाह, खुदा ने अगर चाहा तो ये भी इंतजाम कर देंगे, और अगर गजल में आई तो मतले में काम कर देंगे। वाह वाह, क्या। और ये तुम्हारी जैसी जीकर भी कुछ ना कर सकी तो? हमारे जैसे भाई मर गए तो भी नाम कर देंगे। वाह, तो मैंने क्या कहा? कितने कंजर्व है ये गुब्बारे। कितने कंजर्व है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब ये कमीने अपने उरुस पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप। कितने कमजोर है गुब्बारे, किस चंद सांसों में फूल जाते हैं। कुछ फुलाने में फूट जाते हैं, कुछ दबाने में फूट जाते हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या? कहना है कि तुम किसी छिड़ी मार के साथ जाकर शिकारी बन जाओ। अच्छा, तुम किसी छिड़ी मार के साथ जाकर शिकारी बन जाओ, या किसी दरगाह में बैठकर भिखारी बन जाओ। अच्छा, और रानी जी, ये शेरो शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ। मेरी मानो तुम मदारी बन जाओ। वाह 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 वाह। और क्या रंपत जी? और क्या है? बातों बातों में जहर घोलता है। अच्छा, बातों बातों में जहर घोलता है। आदाब। और पतीला तो चुप है, चमचा बहुत बोलता है। तुम्हें चमचा के बारे में मालूम नहीं है? जब चमचा घुसता है तो पतीले का पेंदा फट जाता है। और इस चमचे का क्या कहना है? क्या कहना है? कहना है कि इश्क में मेरा नाम आएगा। वाह बेटा, लौंडा ऐसा पैदा करो जो 12 महीने रहता हो। मेरा नाम आएगा और मेरे पीने को ये जाम आएगा। अच्छा, और सानिया जी, तेरे जितने भी आशिक हैं वो सारे भाग जाएंगे, आखिरी में चमचा ही तेरे काम आएगा। और मालूम क्या है? ये नाज नखरे दिखाने आई है, ये सब की सब, ये नाज नखरे दिखाने आई है, दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाने आई है। अच्छा, इनके बाप ने कभी बिरहा तक नहीं गाया, बिटिया कव्वाली गाने आई है। पहुंच गए मैखाने में, चकई कचकदम चकई कचकदम, बापू दे कदम चकई कचकदम। चचा भतीजे एक रात को पहुंच गए मैखाने में, अंदर से दरवाजा बंद था, लगे चचा फरमाने फरमाने फरमाने। क्या कहा? क्या कहा? अरे जोर से धक्का मार भतीजे। छोटू मार एक धक्का यार, मार 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 पीके मारेगा, पीके मारेगा, पीके मार दे धक्का, मार धक्का, मार धक्का, मार धक्का, मार दे, मार दे धक्का, मार दे धक्का, मार दे धक्का, मार दे, मार दे, मार दे, मार दे, ये पीछे से मारेगा। अरे जोर से धक्का मार भतीजे, दरवाजा खुल जाए, पीने वालों बहुत पियो, और पीने वालों बहुत पियो, चाहे लुटिया तक बिक जाए। महुआ हो अंगूरी, पीना बहुत जरूरी, महुआ हो अंगूरी, पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए, बिन पिए चैन ना आए, पीने वालों बहुत पियो,
आंखें निकाल लूं, सीना जमीन का चीर कर पानी निकाल लूं, शोरा है मेरा नाम का सारे जहान में, शेरों के छक्के छूटते हैं सुल्ताना के, सागर भी हाथ में है हर एक अगवा का, कहिए प्रधान कैसा अहवाल है यहाँ का। आने के ही आपका था इंतजार सबको, जो वक्त गुजारा है सच मानिए मतलब को, कुछ हर्ज है नाश में जो हो नशा गुलाबी, लेकिन जो बनता आदि उसकी हो खराबी। यही कहूँ नहीं ना आज कितने दारू पी गया है जो हमको नहीं पहचाना। हमने दारू नहीं पिए, हमने दारू नहीं पिए, शराब पिए, शराब और दारू एक ही चीज होती है। दारू सारे की बात है तो शराब नहीं पिए है, दारू पिए है, दारू भी एक ही चीज है, शराब भी एक ही चीज है, तो ना दारू पी ना शराब पी। जय जय महुआ महारानी, जय जय महुआ महारानी, महारानी भी वही चीज है। हाँ? नहीं भी सुखा जी, हम डाकू हैं, दिन रात पुलिस की गोली हमारा पीछा किया करती है, ना जाने कौन सी गोली हमारा सीना छलनी कर दे और हम सब मारे जाएं, इसलिए हमें सजग और होशियार रहना चाहिए। और गाहे बगाहे कभी पी लो शराब को, गाहे बगाहे कभी पी लो शराब को, महीने में शराबी लिख दिया जिसके पुलिस के सफीने में, काहे बगाहे कभी पी लो शराब को, आभी आभी है। सदर गेट पे किसका पहरा है? सुमरना, लेकिन सुमरना वहाँ नहीं था, हमने राइफल लेके भेजा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं सदा जी, हो सकता था कि दारू पी रहा होगा। अरे किधर गया यार? ये लो ये लो। और सरदार जी आए हुए, सरदार जी कहाँ? सरदार जी सरदार कहाँ? सरदार जी सुमन्ना, तुमने दारू पी, पाजी पैसे नहीं बोल जाता है तू, सबने समझाया है घूमे अफसर तुझे, हुक्मेरा गया भूलिया याद है कि यह किस काम पर था। आपके हुक्म से पहरा देता रहा, कोई जासूस अब तक न आया नजर, दौर सागर का चलता नजर जो पड़ा वहीं पीने को आया अभी था इधर। पेस्टर तू बता दे मुझे हाल ये, कौन पहरे पे तेरे है बैठा वहाँ, इस कदर का शराबी हुआ बेशरम, डाल करके मेरा हुक्म आया आया। हो गई गलती मुझसे, खतावार हूँ, आज की माफ मेरी खता कीजिए, और काम में मेरे गफलत जो हो कभी मुझको भारी से भारी सजा दीजिए। माफ करता तेरी, खुला रास्ता दम काहे दूर नहीं, मुझसे वाकिफ यहाँ के हर एक है बशर, माफ करता किसी का कसूर। सुखा ये हमारे ग्रह में हुक्म ना मानने वालों की एक ही सजा है, मौत। इसे मौत दो, तुम बिछड़ो। वाह सुखा जी, हमने तो सुना था कि लोग मुंह से दारू पीते हैं। हम खिड़की से पी रहे थे, खिड़की से दारू पीते हैं।
पकड़ो, हमने कहा शराब नहीं चलेगी। शराब नहीं चलेगी, दारू चलेगी। तुम यहाँ आओ, तुमने दारू पी? अब पीना भी नहीं, जाओ वहीं खड़े हो जाओ, अम्मा का दूध पी ले। तुम चुप रहो। और किसने दारू पी है? सरदार जी आप नाराज मत होइएगा, ये सब पिए हुए हैं। तुमने दारू पी? अंदर कहाँ है? चलो इधर आओ, लो दारू पी, समोसा और खा लो। खामोश हो। तुमने दारू पी? सही बोलो, क्या बोल रहा है ये? दारू पी, दारू पी। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। सर सरदार जी इसे बहुत पी, अगर यकीन नहीं साले के मुंह में थूक के देखो। जब हमने मना किया था कि कोई दारू नहीं पिएगा, तो फिर तुमने दारू क्यों पी? आरो दारू क्यों पी? सुखा जी हम बात कर रहे हैं, तो तुम भी तो बोलने वाले कौन हो? अब आपके आपके खादान में सरदार जी इसने भी दारू पी। पहले इनसे पूछेंगे, तुमने दारू पी? सदा जी हाँ, इसको बोला उसको इधर, ये दारू पिए। तुमने दारू पी? आ क्या? इसने मुझसे कहा ये बता, फायदा बहुत है। क्या फायदा है? किसी बदतमीजी करो शिकायत नहीं करेगी, कोई मामला फंस गया किसी पूछा क्या हुआ दर्ज करेगी, बड़ी छूट जाएगी, कोई मामला नहीं फंसेगा। इसने मुझसे कहा कहा था तुमने? आ, आ, सच बोलो, आ, सच बोलो। आ, तुमने दारू तो नहीं पी? चलो तुम आओ, तुमने तो दारू पी रही है, तुमने पी दारू। सदाजी सदाजी इसको ना मारिए, इसको मत मारिए, इसको मत मारिए। नहीं मारे, ये नीचे चड्ढी नहीं पहने हैं, ये नीचे चड्ढी नहीं पहने हैं जी, तुम्हें कैसे मालूम? इसकी चड्ढी हम पहने हैं। वाह बहुत अच्छे भाई वाह, तो आजकल आप इनकी चड्ढी पहन रहे हैं जी है? कन्या बचाओ अभियान चल रहा। इधरा तुमने दारू पी या नहीं? सरदार जी नहीं पी। बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर, नहीं पी। सच बोलो, मुझे पिलाई गई है। पी थी या नहीं? नहीं पिलाई गई है। तो आड़ो मुंह से पी थी खिड़की से। चलो सदा जी इसको मत मारना। क्यों? क्यों इसको मत मारना? क्यों नहीं मारे? इसका बच्चा हमारे पेट में है। तुम्हारा बच्चा इसके पेट में? यस। ये उल्टा काम कैसे हो गया? आजकल सरकार का यार कन्या बचाओ, ये कन्या पैदा करती है, हम कन्या पैदा करते हैं। हम तुम्हारा बच्चा नहीं। और किसने पिए? आप जब यहाँ नहीं रहते हैं तो किसको सौंप के जाते हैं पूरा काम? हम इसे पीतम्बर को। यहाँ ये भी पिए हुए। तुमने भी दारू पी? और एक बात सुनिए सदा जी, ये बुढ़ापे में मोहब्बत करता है। तुमने दारू पी या नहीं? पहले ये बात का जवाब दो। हाँ सरदार जी दारू मैंने पी है, लेकिन कम पी है। ये समोसा ले, ये समोसा। ना ना तुम समझ हो रही है, हम बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तुम ले दारू। अरे मोहब्बत तो पी है। मोहब्बत में मुझे मोहब्बत हो गई, मैं आते मुँह में दांत नहीं, सामान का पता नहीं। तुम्हें किससे मोहब्बत हो गई? बस एक ही से मोहब्बत थी मुझे। अच्छा अपनी हालत के बारे में मालूम है? हालत में सही है सरदार जी। अच्छा आज नहीं कल चले जाएंगे। तो मैंने क्या कहा? कहाँ चले जाओगे? बोलो शीशे का दिल मेरा है, शीशे का दिल मेरा
पत्थर का जमाना था। देख दिल टूट गया जब चोट लगी है इसमें, हाय जब चोट लगी है इसमें सामा सामान पुराना था, रायता फैल गया। अब जब रायता ही फैल गया तो फिर तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे? अब जब रायता ही नहीं रहा फैल गया, मैं क्या करूंगा? तो फिर तुम तो किसी काबिल हो नहीं, किसी काबिल नहीं हो। हैं? रायता कहाँ फैल गया? बनारस में। हमने तुमको मना किया था कि दारू मत पीना। वो खुद कहने लगी पियो, हमारे पास आओ। एक बार हमने तुम्हें डॉक्टर को दिखवाया था, तुम्हारे पेट में कमी बताई थी डॉक्टर ने, समझे? उसी वक्त से तुम्हारी दारू बंद करवा दी हमने। जी, इसका कुर्ता बदल गया, इसका कुर्ता कुत्ते का लग गया। तुम खामोश हो। अंदर से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगी। करो रोटी सही करो। खुल गई। सुबह जी, आज हम तुम्हें एक बात बताएंगे कि हमारी गिरफ्तारी के लिए साहब बहादुर मिस्टर यंग इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए और हमारी गिरफ्तारी के लिए ना जाने जाने कौन कौन से प्लान, कौन कौन सी बातें सोची जा रही है। तुमको मालूम है या नहीं? नहीं मालूम होगा, हम बताते हैं। और एक ताजी तुमसे खबर, मैं कहता हूँ पर था तुमसे खबर, में कहता हूँ परधान। सुना ये अकल मेरी है, मिस्टर यंग ने मुझे गिरफ्तार करने का। मेरा खास मतलब है तुम सबको होशियार करने का, मेरा खास मतलब है तुम सबको होशियार होशियार करने का। खैर शख्स का ऐसे वक्त नहीं एतबार करने का। हिम्मत बुलंद है वो, निहायत दानिशमंद है वो, तजर्बेकार है अफसर, गफलत खाना नहीं बड़े वो होशियार है अफसर। दुनिया में पैदा नहीं कोई माई का लाल, हाँ
आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर उनकी कार्रवाइयों से कभी गफलत न होना चाहिए। जिस जगह रहिए वहाँ खटके से सोना चाहिए। ऐसे काम में कोई मुश्किल न होना चाहिए। कैसे फंस जाएंगे उनके दम में क्योंकि गाफिल न अपने काम में। शाबाश, उन्हें लूटो जो लूटा करते हैं दौलत गरीबों की, उन्हें लूटो जो लूटा करते हैं इज्जत शरीफों की। हमारा काम है हर एक छोटे को बड़ा करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। कैसे फंस जाएंगे उनके दम में जबकि गाफिल ने अपने काम में। शाबाश, आज हम देखना चाहते हैं कि इतने दिनों के बाद तुमने गृहों में इनको और ये जो हैं इनको क्या सिखाया है। अटेंशन, अटेंशन का मतलब, अटेंशन का मतलब क्या है? चेस्ट बाहर, ये कुबी, इसका चेस्ट छोटा है। अरिश्वाइट, स्लोडियर, मतलब छोटू स्लोडियर, ये क्या? इसका मतलब आप कहीं गिरोह में घूम आए और जैसे गिरोह में घुसे इन जवानों ने देखा और सूट मारा, तुमको बताना पड़े क्या? सुलोडियर बदतमीज कहेगी, गूंगी है, आंखें निकाल लूंगा, ध्यान रखना। अरे झुकिया। अनार जी, ये धक्का मारता है। क्या बोलो, सही बोलो। धक्का मारता। अबे ये गांठ लग रही है। धक्का, ये गांठ लग रही है। चल झुक, क्यों से करूं? अबे झुक, बर्दाश्त कर। शाबाश, इसका मतलब ये कि आप कहीं डाका डालने गए, सामने पुलिस से मुठभेड़ हो गई, सामने से गोली चली, जॉन मुट्ठी पकड़ा छोड़ दिया। और अगर गोली पीछे से चली तो? पीछे काफी जगह है, गोली गायब हो जाएगी। चांद मारी जगह टांग से निकल जाएगी। लटिया, अबे छोटू, इसका मतलब लोग कहीं डाका डालने गए। रास्ते में नदी पड़ गई, गंगा पड़ गई, बेतो पड़ गई, घाघरा पड़ गई, उस पार जाने का रास्ता नहीं है। अपने जवानों को पानी में तैरने की ट्रेनिंग दे रखी है। ये पीपे के पुलिया है, ये पीपे का पुल है, इसे माल मारेंगे, इससे वापस आ जाएंगे। सुखा जी, जरा पुल पर चल के बताओ। अरे नदी ना रे, न जाओ श्याम पैया। ये तख्ता कमजोर है। ठीक है, अब पुलिया पे चल गया। अरे मोहे मारो, ओ मोहे मारो, न तिरछी नजरिया बलम। ये जमीन दलदल है। खड़ियल, एक ओवर एक चलिए। इसका मतलब हम लोग कहीं डाका डालेंगे। मकान ऊंचा है, घर में घुसने का रास्ता नहीं है। मकान के पीछे गए, एक के ऊपर एक को चढ़ा दिया, मकान में घुसे, माल मारा, वापस आ गए।
क्या है ये? ये टीला है, ये ढीली है, ये ढीला है, ये ढीली है। टीले को चल के बताओ। ऊपर का हिस्सा हटाना पड़ेगा। छोड़ू हट जा। तू देख सामने कोई आए ना। राइफल थाने, राइफल थाने, राइफल थाने। थाने, थाने। हाँ सही। अरे जब जब है। छोड़ियल। अबे छोड़ियल। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? छोटू एक लात मार, लात मार। छोड़े ना। और मार, और मार, और मार। बस बस बस। क्या हो रहा भी? हमें इतना आनंद आ रहा था, मौसम बन गया था यार, तुम पता नहीं बीच में कहाँ से आ गए। तेरी माँ का मौसम हो तभी तो सोच रहा हूँ, नीचे वाला तगड़ा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला दुबला क्यों हो रहा है। क्यों भाई साहब, ये क्या कर रहे थे? नींद आ रही थी, आंखें खुलवा रहे थे। ये लो इनको देखो, ये आपस में चाय पानी कर रही हैं। क्या टूर्नामेंट चल रहा क्या? ओ छोड़ियल। अरे काफी गर्म मामला है। मामला गंभीर है, बहुत तगड़ी मोहब्बत दोनों में चिपक गई है, आप ऐसे टूर्नामेंट कर रही, नाश्ता पानी कर चुकी है। मामला बड़ा गंभीर है, अब मैं इनके बीच ऐसे घुसूंगा जैसे हनुमान लंका में घुसे थे। बोल सियाव रामचंद्र की। खलियल। सदा जी जी, इनको सब अपनी अपनी जगह पर लगा दो, जाना है इनका पैरा। हाँ, तुम्हारी ड्यूटी चांदनी चौक में, जब देखो कौन कितना माल बेच रहा है। तुम्हारी ड्यूटी लाल किले पे। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? स्कूटर मार्केट में। इधर आ जा, तू नाश्ता कर। छोटू तेरी ड्यूटी कहाँ है? तेरी ड्यूटी कहाँ है? नहीं है, नहीं है? जा मम्मी का दूध पी। निकल लो। क्या है? बहुत मारेंगे तुम्हें। बोल रही थी। हाँ, धमा कर रही थी। हाँ, डाकू बीच में है। हाँ, तुम दो हो। पटक पटक के मारेंगे। पटका कोई नहीं, धमकाने खड़े काम चला लेंगे। चल बे, तुम्हारी ड्यूटी हमारे कमरे में है। क्यों? तुम चलो हमारा इंतजार करो, हम आ रहे हैं। सरदार जी देखिए। तुमने इसकी ड्यूटी अपने कमरे में क्यों लगाई? ये नई भर्ती, इसको राइफल चलाना सिखाएंगे। कमरे में राइफल चलाना सिखाओगे? बाहर थोड़ी सिखाएंगे। राइफल चलाना मैदान में सिखाया जाता है। गोली किसी दूसरे लग गई तो क्या तुम्हारा निशाना कमजोर है? निशाने तो गलत है, लगाते कहीं पहुंच गए। तुमने सिखाओगे? हाथ से तुम्हारा पैरा सदर गेट पर है। और सुनो, बिना हमारी आज्ञा के ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, और जिस पे तुम्हें शक हो जाए हमें खबर करो। हम चाहे जा जाए। नहीं, तुम सिर्फ पहरा दोगे। ये लो। मेरी ड्यूटी वहां लगती है जहां से मौत का आना जाना होता है। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे पुलिस शक हो जाए ये डाकू है तुम्हारे जाऊंगा।
अगर ये पता चल जाए डाकू को इस तरह पुलिस का मुखबर है तो गोली मारी जाएगी, मरना मुझे हर हाल में है। चलते हैं। अरे अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। एक गोली मार दूंगा। खाली है, इसमें गोली नहीं है, इसकी दोनों गोली मेरे पास है। गोली तुम्हारे पास क्या कर रही है? सरदार जी दो गोली देके भेजते हैं, जेब में रख लेता हूँ, जब इमरजेंसी हो तब डालता हूँ। तुम गोलियों को अपनी जेब में रखते हो? Yes. और किसी ने हमला कर दिया तो? इस बात को आप जानते खाली, हम जानते खाली, बाकी क्यों क्या जाने, इसकी रंगबाजी काफी, आधे घंटा रुका है, सीधा खड़ा भाई, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, घबराहट में खड़ा रहेगा। आप कौन? हम सरदार जी के बहुत खास हैं, उनसे मिलने आए हैं। ज्यादा खास तो कोई है नहीं, या तो वो छोटा गिट्टक है, तू ही है खास। तुम यस, आप काजल बहुत लगाए हुए, सुरमा लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, सुरमे हो गए फिर। दूर हटो, दूर दूर का बदबू आ रही, क्या दूर रहे। आप किससे मिलने आए हैं? हम सरदार जी से मिलने आए हैं। अबे नालायक, तुझको मालूम नहीं किसी मंत्री से मिलना, पहले संतरी को सलाम मारो तब अंदर जा सकते हो, नहीं बात भगा दिया। अबे ओए, तुझको सलाम करें हम? हाँ हाँ, सलाम करो। सलाम नहीं करते हम तो अंदर नहीं जा सकते। सरदार जी को पता चल गया ना तुमने हमसे ऐसे बात करी है, जितनी है ना सारी ठोक देंगे। नहीं नहीं, पहली बात तो पता ही नहीं चलेगा, जब अंदर जाओगे तभी ना पता चलेगा, जब अंदर जाएगा तब पता चलेगा, बाहर से क्या पता चलेगा। तुम जितना बोल रहे हो उतना करो, कहना क्या है बताइए, खबर अंदर आप, जाओ। आपकी सूचना पहुंचा सकता हूँ? हाँ सूचना पहुँचाओ। सरदार जी को बोलो वो आए हैं। वो आए? हाँ वो। या पहला कौन देगा? हाँ मैं ना। इधर आइए, तुम जाओ। सदा जी सलूटिया जी, वो आए हैं। कौन? कौन वो कौन वो? अरे वो अबे क्या मालूम कौन वो आए हैं। तुम्हारा रिवॉल्वर कहाँ है? उन्हीं के पास, जिनको जानते नहीं है। वाह, हो सकता है वो कोई पुलिस का मुखबिर हो। हो सकता है हमारे ग्रोह का पता लगाने आया हो। हो सकता है हम सबको गिरफ्तार करा दे। ये तो होना ही है। और हमको फांसी दिलवा दे। तो होना ही होना है। तो हमको तो वो कौन है? हो सकता है वो कोई पुलिस का जासूस हो, तुरंत पता लगा के आओ। जी छूट जाओ मेरे साथ। यार मुसीबत है यार। भाई साहब इधर लाइए पिस्तौल, लाइए अब यहाँ से निकल लीजिए, आप निकल लीजिए फौरन। आवाज नीचे नीचे, खबर दे के आए सरदार जी को? हाँ खबर दे। क्या बोला उन्होंने? वो क्या कद्दू है, नाम बताया? नाम बता रहे, पिटवा दिया खामे पे। तुमने नाम पूछा? हाँ ये गलती हमारी है। फिर क्या नाम है आपका? सरदार जी को बोलो उनके दोस्त आए हैं, फूल सिंह। फूल सिंह? हाँ वापस आना जल्दी। ठीक है ठीक है, जाइए आप जाइए, पहले जाइए पहले जाइए। सरदार जी सलूटिया, क्या खबर है? आपके दोस्त आए फूल सिंह। कौन फूल सिंह? ये भी मुसीबत है, कौन से फूल सिंह? वो फूल सिंह है? फूल सिंह तो हम कोई जानते नहीं कोई। हमारा दोस्त कब से होता है? कोई दोस्त नहीं हमारा, सही पता लगा के आओ कौन है वो, और जब तक पता ना लगाना तब तक उसको अंदर नहीं आने देना। अरे आपकी गोली मारो चिको ऐसे फैला दो। ओ भाई साहब फूल सिंह, तेरी माँ का फूल सिंह मारू, तेरी माँ का ओवर टाइम मारू, निकल यहाँ से, निकल अबे निकल, अबे निकल। ओए आवाज नीचे। अरे आवाज नीचे, सामान कहाँ ले जाए? सदा जी ने कहा कि मेरा कोई दोस्त फूल सिंह नहीं है। उन्होंने पहचानने से मना कर दिया? कोई फूल सिंह नहीं है, पूरा नाम बताओ। फूल सिंह नाम है, फूल सिंह नाम बताया। कहाँ के रहने वाले हो? भिंड मुरैना। ओहो भदरिया हो? हाँ। ठाकुर हो? हाँ। आओ गले मिलो। गले नहीं लगते हम किसी के। कैसे ठाकुर गले मिलते? अरे भाई साहब एक बीड़ी पिलाओ। बीड़ी नहीं पीते हम। अब बीड़ी पीते तो आपकी दोनों जेबें ऊपर की फूली क्यों है? बारूद है हमारे पास। अबे हाथ गोला रखे हुए क्या भैया? मुसीबत है। ठीक है जाइए आप, खबर करते हैं, खबर करते हैं, जाइए। सदा जी आपकी पूरा पता लगा गया हूँ। उनका नाम फूल सिंह, बाप का नाम चोप सिंह, अम्मा का नाम दुलारा, एक बहन गंगी, घूम रहे नंगी, मोहल्ला कुमार मंडी, ठंड करेगा।
एक बार फिर बताओ। उनका नाम फूल सिंह, बाप का नाम चोप सिंह, अम्मा का नाम दुलारा, एक बहन गंगी, घूम रहे नंगी, मोहल्ला कुमार मंडी, भिंड मुरैना एमपी। उनकी एक बहन है जी, वो अभी तक नंगी घूम रही है? अरे 3-4 साल की बच्ची है भाई। अब की बार अगर सही पता लगा के नहीं आए तो तुम्हारे बदन में। सरदार जी अभी सोच रहे जो गंगी की बहन है नंगी, उससे छोटू की शादी करा दे। ठीक है साहब। अभी ये छोटू तो और खून पिए हुए ऐसा है। अब आप जाइए। कहाँ जाएं? बस आप जाइए, बहुत हो गया। सरदार जी से मिले बिना तो नहीं जाएंगे। अरे यार सही सही नाम बताओ ना। क्या सरदार जी ने फिर मानने से मना कर दिया? मेरा कोई फूल सिंह दोस्त नहीं है, कोई मुरैना में रहता है। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ ऐसा कहा। अब तो तुम्हें सच बताना पड़ेगा। क्या अभी झूठ बोले थे? अबे बड़े पुराने खलीफा मरवा रहे, इतनी देर से याद नहीं सुन रहे हो? सुनो अच्छा, सरदार जी के पास जाओ। क्या देख रहे हो? जाने की सोच रहे हैं किधर जाएं? सरदार जी के पास जाओ, उनको जाके बोलो उनकी प्यारी। अभी तक प्यारी तो प्यारी, अभी मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। उनकी प्यारी अच्छा फूल कुंवर आई हैं। फूल कुंवर आई जी? फूली तो है ना यार, फुलाना पड़ेगा। तुमसे जितना बोला उतना करो। ठीक यही वे। क्या यार मुसीबत है, फूल कसम भगवान की। सरदार जी, सरदार जी बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। क्या आप मार नहीं सकते मुझे? आप मार नहीं सकते? अच्छा बहुत अच्छी खबर है। आपकी आई है दिल्ली, बताओ। खास हम खास। हाँ हाँ। आपकी मातारी आई है। आपकी प्यारी हमारी मातारी, प्यारी फूले कुमार आई है। फूल कुमार आए हैं जी? वाह। फूल कुमार आए हैं छोटो, सुना? फूल कुमार आए हैं। जाओ उन्हें इज्जत के साथ लेकर आओ। उनकी इज्जत लेके आए? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? आपने कहा ना इज्जत लेके आओ। उन्हें इज्जत के साथ लेकर। अच्छा समझ गया, पहले इज्जत ले ले उसके बाद लेके आए। इज्जत नहीं समझते हो? उन्हें सम्मान के साथ लेकर आओ। उनका कौन सा सामान लेके आप? सम्मान भी नहीं समझते? अरे उनको प्यार के साथ लेकर। आप समझ गया, पहले पुछुर पुछुर करे फिर प्यार करे फिर ले आए। छोटू को बड़ा मजा आ रहा है। उनको आदर के साथ लेकर आओ, पहले अंदर करे फिर ले। कौन सी भाषा समझता है? उनको रेस्पेक्ट के साथ लेकर आओ। आप समझ गए, पहले रेप करे फिर ले। उनको अपने साथ बुला लाओ जी। आओ। छोटू कुछ दिन बाद बहुत बड़ा डाकू बनेगा। लाइए अपनी दो। क्या दें? इज्जत। इज्जत सरदार जी का, उनकी लेके आओ। वो बेवकूफ आदमी, सरदार जी ने बोला को उनको इज्जत के साथ लेकर आओ। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इज्जत दो हमारे साथ चलो। इस पागल आदमी से पाला पड़ा है। तुम्हें पता है इज्जत क्या होती है? क्या होती है? जो तुम्हारे चेहरे पर मूछें हैं ना, इन्हें मर्द की इज्जत बोलते हैं। ये इज्जत है? हाँ। नौवा फ्रेम बनाता है। पैसा नहीं लेता? पैसा लेता नीचे का बाल बनाने का। नीचे कहाँ के? दाढ़ी का, दाढ़ी का, दाढ़ी का। हमने सोचा इज्जत कोई वजनदार चीज होगा। अच्छा ये बताओ जी, सरदार जी कैसे हैं? सरदार जी का बुढ़ापा हो गया, उनसे कुछ होता नहीं, हापुड़ हापुड़ चिल्लाया करते हैं। कहीं क्या बोल रहे हो तुम? 2-4 महीने में एक आध मरतबा डालते हैं। हम लोग हैं दिन में 2-3 दफा डाल देते हैं। सरदार जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो? बुलल्ला भी लड़िया है, उसके घर में डाल दिया था। क्या डाल दिया था? ढाका ढाका। क्या समझ रहे हैं आप? मिलने तो सरदार जी को एक एक बात बताएंगे तुम्हारी। आप बात बताइए। तुम्हारा बदन बहुत गर्म है यार। अंडे खाते हैं? अंडे मत खाया करो, डंडे खाया करो। ये तुम बात बात पे हाथ क्यों लगाते हो? बचपन की आदत है।
सरदार जी को पता चला कि तुमने हमको हाथ लगाया है ना, तो ये हाथ नहीं रहेंगे पता तुम्हारे। बाद में चलेगा, पहले पूरा काम तो होने दो। आइए चलो। इधर से आइए, इधर से। कहाँ से ले चल रहे हो? अरहर के खेत के भीतर से, पुलिया के नीचे से। ये कौन सी जगह है? आप अंदर आइए। इतनी देर कैसे लगा दी? अरे आ गई भाई। हमने कहा इतनी देर क्यों लगाई? वो सरदार जी, उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ रहा था। कौन से रास्ते से लेकर आए थे? अरे खेत के भीतर से, पुलिया नीचे से। इसीलिए देर लगी। हाँ इसीलिए देर लगी, पुलिया नीचे थोड़ा काम था। क्या काम था? ऐसा ऐसी बात, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई, समझा रहे थे कि डाकू का इलाका है, आराम से चलिए यहाँ से। अरे फूल कुमार, चपका लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ चपकाओ चपकाओ, हम बर्दाश्त कर रहे हैं जी। कुछ नहीं सर, जानते हो? ये पैदा नहीं हुआ था, उद्घाटन इसका हुआ था। सरदार जी यहाँ आइए जरा। ये क्या क्या नमूने पाल रखे हैं आपने? अरे सब हमारे साथ ही, ये हमसे पैदा हुआ है तभी ऐसा है। यहाँ ये सरदार जी, में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पहले बताइए ये आदमी कौन है? अल्लाह रे मरवाई के। साथी और कौन? ऐसे साथी कब से रखने लगे आप? क्या बात, एक नंबर का पागल आदमी है ये। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुनिए ना आप, इसने अपने सर पे बांधा हुआ है, इसे यहाँ पे बिछा दिया और मुझसे बोला अपनी दो। आपने कहा था इज्जत से लाना, ये हमारे सर पे क्या है? ये पगड़ी है, ये मर्द की इज्जत है। हमने उतार के इनके कदम बिछा दिया, हमने कहा इसको बचलिए। क्या गलत किया, क्या गलत किया, क्या गलत किया? ले 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 ले। सरदार जी देखिए देखिए, सलाम कर रहा है तुमको, सलाम कर रहा है, ऐसे करके सलाम कर रहा है, और क्या कर रहा है? सरदार जी आपके सामने कुछ और करता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। तो तुम तो देख रही हो ना, क्या कर रहा है ये? और सुनिए, हमने इससे पूछा हमारे सरदार जी के हालचाल कैसे हैं, तो बोला कि वो आजकल हापुड़ हापुड़ करते हैं, और वो कभी कभी डालते हैं, हम रोज डालते हैं। हम हापुड़ हापुड़ करते हैं सरदार जी, हमारी बात सुनिए। और हम कभी कभी डालते हैं, कभी कभी डालते हैं। आपने हापुड़ डाका डाला था? हाँ डाला था। है कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का। तब से आपने कोई डकैती नहीं डाली? नहीं तो। तब से आप हापुड़ हापुड़ क्या करते हैं? इतना लंबा माल में तब डाका डाले, हमने छोटी मोटी चोरी रोज करते हैं। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? ले 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 ले। देखा आपने, कुछ देखा आपने? और सुनिए, जब आपके पास लाने लब, देखा आपने? अबे ये बता जी, हमने बहुत सलाम देखे हैं, लेकिन ये सलाम हमने पहली बार देखा, राउंड वाला। ये चक्रवर्ती सलाम है। और कुछ कहा इसने? हंटर कहाँ है आपका? पहले बताओ, जब आपके पास ला रहा था ना, तो हमने पूछा कहाँ से ले चल रहे हो, तो बोला अर्रा के खेत के पीछे, पुलिया के नीचे। अच्छा अच्छा, अर्रा के खेत से लाए थे, वो कह रहा था ग्राम के, इसीलिए देर क्यों, हमें क्यों लाया उसे? सदा जी अगर मेरी बात गलत निकल जाए, मेरी खाल निकलवा के इनके लिए जूती बना दीजिए। अच्छा? हाँ हमने इनके लिए गलत नहीं कहा, आपने कहा था जिसको पहचानना अंदर लाना, नहीं तो गोली मार देना। ये हमारी मेहरबानी, पूरा पीस खड़ा हुआ है, एक ही गोली में चिकवा के इसी दुकान फैल जाती। इनकी बात से शक हो रहा था, वो आए हैं प्यारे, आए हैं प्यारी आई है। हमने सोचा ना प्यारे हो ना प्यारी हो, कहीं पुलिस की तैयारी हो, थाने जाए, पूरा फौसला है, हम सबको अंदर कराए। क्या गलत कहा? मेरी जान, मेरी जान तुम पे कुर्बान, तुम मेरी माँ के समान। ये तो ठीक कह रहा है, इसने बहुत अच्छा अकलमंदी का काम किया, जो इतने रास्ते से लेके आया। क्या क्या सिखा रखा है आपने इसको, ये क्या करता रहता आपके पीछे? जान तो ये कौन है? कौन है? ये तुम्हारी अम्मा है। इनसे पैदा है? नहीं इनसे पैदा नहीं हो, लेकिन रिश्ते में तुम्हारी अम्मा है। तो कुछ बातचीत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मम्मी मम्मी, दूध दूध। गोली खाओगे? नमस्ते इंडिया। ए, आपकी शादी हुई है? अभी नहीं।
हमारी भी नहीं हुई है। तो क्या करें? तो हमारे साथ चलो। कहाँ चलें? बम्बई ले चलेंगे, चौपाटी की चाट चटाएंगे, बाद में करेंगे लाला लू लाला लू। क्यों भाई, क्या कर रहा था? बम्बई ले चलेंगे, इनको समझा रहे थे। चौपाटी की चाट चटाएंगे, नहीं, नारियल का पानी पिलाएंगे, समझा रहे थे। आप समझ गए ना कैसे आएंगे? कमबख्त जी, बदतमीज जी। हंटर कहाँ है आपका? हंटर है? क्या हंटर मारूं उसको? नहीं, मेरा हंटर भी खराब हो जाएगा। गोली नहीं मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे तो फिर मामला सुना जाएगा। नहीं नहीं, गोली नहीं मारेंगे, हमारा बहुत पुराना साथी। हाँ, तुमसे ज़्यादा पुराना है। तो अभी कल से जाओ, तकलिया तकिया लाऊं। तन्हाई। अच्छा रजाई। एकांत। अच्छा एकांत, जा रहा हूँ। जाओ। तुम निकल लो यहाँ से। चाटा मारो सही हो जाएगा। डार्लिंग, हाउ डू यू? डाका डार्लिंग, डाका डार्लिंग। आप ठीक ठाक हैं? आप डकाई जरूर पढ़े लिखे नहीं। ये पढ़े लिखा है कल्याणपुर का बूढ़ा। छोटू तुम भी जाओ। बोल कुमार, ये अचानक तुम यहाँ और कैसे, मेरी समझ में नहीं आया। आपसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। मुझसे? जी। क्या जरूरी बात करने आई हो बताओ। ऐसे कामों की नहीं अच्छी हो आखिर, अशराफों की नजर में जो के जचो हकी। डाल के डाके लाखों का लूटा है धन, फिर भी मौजूद है पास पाई नहीं, इस कमाई में सरकार रखा है क्या, जिसमें फैले जहां में भलाई। हमारे रहे लूट का दहिसा जो लेता हूं मैं, जो गरीब वतन बेवाला वारसी आधा हिस्सा उन्हें बांट देता। दुनिया में कोई सहारा नहीं और आसूदगी से गुजारा नहीं, देखा जाता जब उनका नजारा नहीं, नाव मझधार से उनकी खेता। मुझे दम बदम ऐसे फैयाज के हाय पाले पड़ी। ऐसे फैयाज के
खट्टा हो करना कसम। हर रईसों के घर में जवा है रकम, तेरे सर की कसम कुछ न कंगाल में, जितनी पड़ती जरूरत है प्यारी मुझे, लूट लाता हूं जाकर के धनमाल में। जिंदगी उस बशर की सदा ख्वार है जिसके हमारी जिसकी पब्लिक के आगे हो इज्जत नहीं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इस कमाई में सरकार बरकत नहीं। खाम खाली करो तक है दिल मा, शाद दिल को न तू मेरे गए जोर कर, चुलबुली चीज गावो दर्द की भारी। बोल कुमार हमारे लिए। चुलबुली चीज गावो दर्द की भारी, मैं पिला कर खुमारी मेरी दूर कर, चुलबुली की गावो दर्द की भारी। यह वक्त तुम्हारे समझाने का नहीं है और हम आज कुछ परेशान भी हैं। सुन, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नगमा सुनाओ जो हमारे दिल और हमारे दिमाग को सुकून मिले। जैसा आप कहें। खुश होकर, जबरदस्ती नहीं, बस आपके लिए। हाँ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जैसे कि लागे धक्का हो, जैसे कि लागे धक्का पैसेंजर की रेल में, वैसे जवानी गई सिजिया के खेल में, वैसे जवानी गई सिजिया के खेल में। जैसे कि लागे धक्का पैसेंजर की रेल में, वैसे जवानी गई सिजिया के खेल में, वैसे जवानी कि
रहा है यूं ही मेरा तो खजाना, मुश्किल बड़ा था अपने बदन को बिछाना। लुटता रहा है यूं ही मेरा तो खजाना, मुश्किल बड़ा था अपने बदन को छिपाना। तुम यहीं रुको, मुझे यंग साहब के बारे में पता लगा के आना है, और जब तक मैं यहाँ वापस ना आऊं तब तक तुम यहीं रहना। ठीक है।